भारत के साथ जब भी पाकिस्तान के रिश्ते खराब होते हैं तो पाकिस्तान बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, भारत के साथ व्यापार पर रोक लगाता है, राजनयिक संबंध तोड़ने की बात करता है, लेकिन उसे भारत की चीजों को गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करने में जरा भी शर्म नहीं आती है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की एक और बेशर्मी उजागर हुई है। भारत ने पिछले साल अगस्त महीने में कश्मीर को दिए जाने वाले विशेष संवैधानिक अधिकार वापस ले लिया था। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच काफी तनातनी रही थी। उसी तनातनी के बीच दोनों देशों के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस ट्रेन बंद कर दी गई थी। उस समय समझौता एक्सप्रेस में इस्तेमाल होने वाली भारतीय रेल की कोचें पाकिस्तान में ही रह गई थी। अब भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से कहा है कि वो जल्द से जल्द इन कोचों को वापस भेजे, लेकिन इस बीच ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान रेलवे बड़ी बेशर्मी से इन कोचों का इस्तेमाल अपने मुसाफिरों के लिए करीब 6 माह से कर रहा है। यही नहीं, भारतीय मालगाड़ी के कोच भी वहाँ फंसे हुए हैं और पाकिस्तान रेलवे उनका भी इस्तेमाल कर रहा है। 8 अगस्त 2019 को समझौता एक्सप्रेस रद्द होने के बाद 11 भारतीय कोच पाकिस्तान में रह गए थे। 7 अगस्त 2019 को ये ट्रेन यात्रियों को लेकर पाकिस्तान गई थी। ध्यान रहे कि जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक अधिकार देने वाले आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद 8 अगस्त 2019 को पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस रद्द कर दिया था। इसी वजह से इस ट्रेन के 11 कोच पाकिस्तान में ही फंसे हुए रह गए। यही नहीं, मालगाड़ी की भी 10 बोगियां पाकिस्तान ने वापस नहीं भेजी हैं। अटारी स्टेशन के एक अधिकारी का कहना है कि ये ट्रेन रद्द होने के बाद से ही ये कोच पाकिस्तान में पड़े हुए हैं और वहीं इस्तेमाल हो रहे हैं। समझौता एक्सप्रेस 22 जुलाई 1976 को भारत पाक के बीच शुरू हुई थी। ये ट्रेन दोनों देशों के बीच हुए शिमला समझौते के बाद पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। उस समझौते के मुताबिक दोनों देश 6-6 महीने तक इस ट्रेन के लिए अपने अपने कोच का इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तानी कोच जनवरी से जून तक इस्तेमाल होता है, जबकि भारतीय कोच जुलाई से दिसंबर तक। जब जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 हटाने के बाद संबंध बिगड़े थे तो उस समय भारतीय ट्रेन के कोच पाकिस्तान गए थे और उसी दौरान ट्रेन रद्द हो गई थी और कोच वहीं रह गए थे। हालांकि ट्रेन का इंजन भी उसी तरफ रह गया था, जिसे रेलवे अधिकारियों ने अपना ड्राइवर भेजकर वापस मंगवा लिया था। इधर खबर है कि भारतीय रेलवे के आग्रह पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी अधिकारियों से इन कोचों को जल्द से जल्द भारत वापस भेजने को कहा है। इसे पाकिस्तान की बेशर्मी नहीं तो और क्या कहा जाएगा कि जब उसने समझौता एक्सप्रेस रद्द किया था तो उसे उसी समय भारतीय रेल की कोचों को वापस कर देना चाहिए था, लेकिन वापस करना तो दूर, वो समझौते का उल्लंघन कर उन कोचों का इस्तेमाल अपने मुसाफिरों के लिए करना शुरू कर दिया। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।